हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू AKCA चैनल। मैं हूँ अशकांत सर, आपका मैथ्स टीचर। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम देख रहे थे कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी तक सबको पता चल ही गया है कि कमीशन क्या होता है। क्या होता है कमीशन? कमीशन होता है वो फीस जो हम पे करते कमीशन एजेंट को ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है कमीशन एजेंट? ऐसा पर्सन जो हमारा काम करता है, जो लाइक हमको कोई भी चीज सेल करने में हेल्प करता है, वो होता है कमीशन एजेंट। उसको दी गई फीस होती है कमीशन। और जो बंदा वो सेल कर रहा है, सपोज अगर हम कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए? प्रिंसिपल। तो ये सारे तीनों टर्म्स हमने देखे थे, बहुत इजी था। फिर पिछले लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलाज भी देखे थे, जैसे कमीशन क्या होता है, टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन। फिर हमने देखा था परसेंटेज जो है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 100। और फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने देखा था। और आई गेस हमने चार एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। अब जो है हम आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी हम कमीशन के क्वेश्चंस खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्काउंट पढ़ने वाले। ओके, जिसने भी पहले वाले न्यूमेरिकल्स नहीं देखे वो पिछला वीडियो जाके देख लो, ये वाला भी हमने कर लिया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, बट ओवरऑल नेचर वाइज बहुत इजी थे। बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, किसी को कंसेप्ट में कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस ये हमारा अगला क्वेश्चन था। एक बार मैं चेक कर, याद है हमने कर लिया था अनीता का क्वेश्चन जो था वो हमने कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब लोग एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो क्वेश्चन में गिवन क्या, सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो क्या होता है, गिवन मार्क करना। सबसे पहले हम गिवन मार्क करेंगे। प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹15,000। तो 15,000 क्या हो गई उसकी सैलरी पर मंथ, एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवर ₹50,000। इफ शी गेट्स ₹17,400 सॉरी इन अ सर्टन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। ओके, तो अगेन देखो हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आई गेस सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमको दिया था कि 4% कमीशन मिलेगा अप टू 50,000, और 50,000 के ऊपर अगर सेल होता है तो 2% एक्स्ट्रा। तो मैंने आपको टॉफी का एग्जाम्पल भी दिया था, आपके भाई बहन के साथ अगर आप टॉफी शेयर कर रहे हो तो वाला एग्जाम्पल आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है। या फिर चलो हम लोग यहाँ पे एक बार और ये क्वेश्चन देख लेते, तब आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो गिवन क्या है। ठीक है, गिवन देख लो क्या क्या है। हमको दिया है प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ, एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000 इफ शी गेट्स ₹17,400। तो उसका जो ये 17,400 है, ये हो गया उसका इनकम। ठीक है, उसका इनकम कितना हुआ, इनकम हो गया 17,400। ठीक है, इनकम हो गया 17,400। और एक चीज दी है सैलरी, सैलरी कितनी दी है 15,000। ठीक है, ये हमको तो डाटा गिवन है। और क्या दिया है हमको, आरओसी रेट ऑफ कमीशन कितना है, 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। ठीक है, सेल्स ओवर 50,000। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें हमको जो उसकी पूरी सेल्स नहीं पता वो हमको फाइंड करना है, तो उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, एक्स। ठीक है, लेट टोटल सेल्स बी एक्स, टोटल सेल्स बी क्या आ गया, एक्स। अब हमको पता है कि जो भी इनकम होता है, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू होता है
सैलरी प्लस कमीशन। इनकम क्या होता है? सैलरी प्लस कमीशन। जिसको भी फॉर्मूलाज याद नहीं है, फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक है? घोड़ों की रेस में गधों वाला काम नहीं करना है हमको, घोड़ों वाला ही काम करना है। जल्दी जल्दी सबने ये नोट कर लिया फॉर्मूला, ठीक है? अब देखो उसकी इनकम कितनी है, 17,400। सैलरी कितनी दी है उसको, 15,000। सैलरी कितनी दी है, 15,000 प्लस कमीशन। अब कमीशन का भी फॉर्मूला तुमको दिया था, ठीक है? जल्दी सब लोग कमीशन का फॉर्मूला एक बार चेक कर लो। कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, सेल्स कौन सी, टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स। अब यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी है, एक्स, और उसको 8% कमीशन किसपे मिल रहा है, 50,000 के ऊपर जो सेल्स होते हैं उन पे। तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, अगर समझो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट्स है, ठीक है, तुमने उसमें से दो बेच दी, तुम्हारे पास कितने बचे, 8 चॉकलेट्स बचे। ये तुम कैसे फाइंड करते हो, टोटल चॉकलेट्स माइनस सोल्ड चॉकलेट्स, ठीक है? 10 में से 2 सेल कर दिए, बचे मेरे पास 8। ऐसे ही टोटल सेल्स अगर मेरा एक्स है और 50,000 के ऊपर वाला सेल्स निकालना है, तो वो हो जाएगा एक्स माइनस 50,000, ठीक है? टोटल सेल्स माइनस 50,000, तो हमको वो सेल मिलेगा जो 50,000 के ऊपर है। तो आपको बस डाटा इनपुट करते आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। कैलकुलेशन इज नॉट आवर प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम इज डाटा इनपुट, ठीक है? अगर आप डाटा सही से इनपुट कर पा रहे हो तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब कमीशन क्या होता है, सेल्स, जो भी सेल्स है, इनटू रेट ऑफ कमीशन। सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे देखो जो हमको कमीशन दिया है वो 50,000 के ऊपर दिया है, तो हमने पुट किया एक्स माइनस 50,000 इक्वल्स एक्स माइनस 50,000 इनटू 8/100। डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि ये दिया था हमको परसेंट में, कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। ओके, सॉल्विंग के वक्त परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। अब देखो 15,000 यहाँ पे प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 17,400 माइनस 15,000 इक्वल्स टू एक्स माइनस 50,000 इंटू 8/100। 17,400 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा, 2,400। अब 8 जो है इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट के साथ लिखा गया, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। वही यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। बट याद क्या रखना है, पहले ये ऑपरेशन कंप्लीट करो, जो भी प्लस माइनस वाला ऑपरेशन है पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद ही उसको डिवाइड पे लाओ। तो अब अगर हम डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 50,000, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली आ जाए, ठीक है, 2,400। 17,400 माइनस 50,000 कितना हुआ, 2,400। एक सेकेंड, 2,400। और ये क्या है हमारा, 50,000। तो अब ये क्या हो जाएगा, 8 3 24 और 0 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो x इक्वल्स टू क्या आया, एक सेकेंड, 2,400 8 3 24 00 एक्स माइनस 50,000 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वो प्लस। तो टोटल सेल्स कितना हो गया, 50,300। ये हमारा क्या आ गया, टोटल सेल्स। एक सेकेंड, बट यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम कर दिया, यहाँ पे जो डिवाइड पे 100 था वो हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया, ठीक है? ये एक सिली मिस्टेक हमसे हो गया, यहाँ पे जो डिवाइड पे था 100 वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 300 में जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 30,000 इक्वल्स टू एक्स माइनस 50,000। अब ये 50,000 यहाँ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो है माइनस। तो 30,000 प्लस 50,000 हमारा हो जाएगा 80,000। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है? किसी को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, बस छोटा सा एक ब्लंडर हो गया था। चलो हम चेक कर लेते एक बार वापस,
गिवन क्या था? इनकम, और क्या गिवन था? सैलरी, और क्या गिवन था? रेट ऑफ कमीशन 8% था ऑन द सेल्स ओवर 50,000। ओके, अब हमको यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, लेट द टोटल सेल्स बी एक्स, आपको अज्यूम करना है, वही तो हमको फाइंड करना है ना, तो वही अज्यूम कर लो टोटल सेल्स बी एक्स। अब इनकम का फॉर्मूला हमको पता है, सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। देखो जो भी लाइक न्यू फॉर्मूला आते जाएंगे वो ट्राई करो कि तुम खुद से नोट करो, ठीक है। जो भी नए फॉर्मूला आ रहे क्या ट्राई करोगे कि तुम नोट कर लो, मैं बिना बताए तुम्हें नोट करना चाहिए, ठीक है। अब लाइक अभी हम लोग बड़े हो गए तो छोटे छोटे बातें बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से कर लिया। इनकम इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी है 17,400, सॉरी इनकम है 17,400, सैलरी है 15,000, कमीशन हमको दिया है 50,000 सेल्स के ऊपर 8%, उसको फ्रैक्शन कर लिया, ठीक है। 15,000 प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस था, यहाँ आके माइनस 2,400, 8 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 100 जो डिवाइड था यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 इंटू 100 हो जाएगा 30,000, 50,000 माइनस था यहाँ आके प्लस हो गया, आंसर क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू 80,000। सबको क्लियर है क्या क्वेश्चन? बहुत ईजी है, ठीक है। एक बार चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ना ही कुछ कैलकुलेशन था, बस आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आपको डाटा इनपुट करते आना चाहिए, उस पर फोकस करो, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ो फटाक से, जो भी लाइक हमको गिवन चीजें सारे मार्क करो और जल्दी से हमारे फॉर्मूला में पुट करो। एक बार तुमको वो आ गया, कैलकुलेशन बहुत ईजी, इट इज नेवर द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम हमारा होता है डाटा इनपुट के वक्त। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ के देखो, ठीक है, सबने पढ़ लिया। अब देखो हमको यहाँ पे गिवन क्या है, दी इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी गिवन नहीं है, हमको सिर्फ क्या दिया गया है, दो रेट्स दे दिए कि 4% से 5% कमीशन बढ़ा, और कुछ डाटा हमको इंपॉर्टेंट दिया है तो जल्दी जल्दी हम उसको मार्क कर लेते, अनचेंज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अनचेंज्ड टू द रेट ऑफ कमीशन, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ पे तुमको जो है बेसिकली ये फाइंड करना है कि मेरा बिजनेस कितना रिड्यूस हुआ, तो सबसे पहले ये समझो कि बिजनेस मेरा रिड्यूस क्यों हुआ। अब देखो इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेंस अनचेंज्ड, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%, इसका मतलब क्या है, वर्ड्स का मतलब समझने का ट्राई करो, उसका कमीशन देखो बढ़ गया, पहले कितना मिल रहा था 4%, बाद में कितना मिल रहा है 5%। सपोज करो कि समझो पहले अगर 1,000 रुपए के सेल्स कर रहा था उसमें 4% मतलब कितना हुआ 40 रुपए, पहले उसको मिला था 40 रुपए, बाद में कितना मिला उसको 50 रुपए, बट उसका जो ओवरऑल इनकम, ठीक है, ये तो हो गया उसका कमीशन, बट उसका जो ओवरऑल इनकम है वो चेंज नहीं हो रहा। अब ओवरऑल इनकम कब चेंज नहीं होगा, देखो परसेंटेज तो कमीशन का परसेंटेज बढ़ा बट उसका इनकम सेम रह रहा है, मतलब कोई चीज रिड्यूस हो रही है, एक चीज बढ़ रही है स्टिल उसका कंटेंट सेम, दूसरी चीज क्या हो रही होगी, रिड्यूस। तो देखो अगर उसका रेट ऑफ कमीशन बढ़ गया तो हमको पता है कहीं ना कहीं उसका जो बिजनेस का वैल्यू है या फिर टोटल सेल्स है वो कम हो गई, क्योंकि सैलरी फिक्स रहती है, ठीक है, सैलरी कैसे रहती है, फिक्स, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस होती है। अगर आपने लाइक देखा होगा बहुत सी जगहों पे इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स, वो क्या होता है बेसिकली, अगर लाइक कोई शॉप है समझ लो कपड़ों का शॉप है, तो उसमें जो भी वर्कर होगा वो इतना हार्ड ट्राई क्यों करता है वो हर चीज सेल करने, उसकी खुद की दुकान तो है नहीं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसका सैलरी तो चालू है, फिर इतना हार्ड क्यों ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो ओनर होता है वो एक बिजनेस ट्रिक यूज करता है, वो उसको कुछ इंसेंटिव ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे लाइक इतने इतने कपड़े बेचोगे, अगर तुम 20 कपड़ों के ऊपर बेचते हो, जितने भी कपड़े बेच जाओगे तुमको लाइक उसके पीछे 100 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। उस चक्कर में क्या होगा,
जो भी सेल्स पर्सन है, जो भी सेल्समैन है, वो खुद की दुकान समझ के ज्यादा से ज्यादा सेल करने का ट्राई करेगा। ये एक ट्रिक होती है। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है अभी, कि जैसे ही उसका जो बिजनेस है, ठीक है, उसका जो सैलरी होगा, तो बेसिकली उसका सैलरी जो होगा वो फिक्स रहेगा, वो बिजनेस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, जैसे कपड़े का एग्जाम्पल दिया, भले ही वो 20 कपड़े बेच रहा है, 10 कपड़े बेच रहा है, सैलरी उसका फिक्स है। क्या चेंज होगा? उसका इंसेंटिव, ज्यादा बेचेगा तो ज्यादा इंसेंटिव, कम बेचेगा तो कम। यहाँ पे वही हो रहा है कि जो रेट ऑफ कमीशन है वो तो इंक्रीज कर दिया, बट स्टिल उसका इनकम सेम ही आ रहा है। मतलब सैलरी अगर कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियसली उसका जो बिजनेस है वो रिड्यूस हो रहा होगा। तभी देखो परसेंटेज बढ़ाने के बाद भी इनकम सेम रहा, मतलब बिजनेस रिड्यूस हो गया। तो अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे तुमको दो बात याद रखनी है। पहली बात क्या है कि ऐसे केसेस में और सारे केसेस में सैलरी कॉन्स्टेंट होती है। सैलरी क्या होती है? कॉन्स्टेंट। और जब तुमको दिखा है परसेंटेज रिडक्शन फाइंड कर, ठीक है, परसेंटेज वर्ड आया तो हमेशा 100 से कंपेयर करो। तो अभी हम जल्दी से लिख लेते हैं, लेट इनिशियल बिजनेस और इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, लेट इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी 100, इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी रुपीस 100। ये तुमको अज्यूम करना है। इतने स्टेप तक आ गए ना, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। देखो अब कैसे होगा, अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस 100 है और सैलरी कॉन्स्टेंट है, तो अब इनकम डिपेंड है उसके कमीशन पे। और अभी हम कमीशन कैसे निकालेंगे, तो देखो स्टार्ट में उसको जो भी इनकम होगा उसका, ठीक है, इनकम जो होगा उसका फर्स्ट केस में, 4% वाले केस में, वो हो जाएगा उसका कमीशन। जो भी उसको कमीशन मिला है फर्स्ट केस में, ये हो जाएगा उसका इनकम केस फर्स्ट। अब इनकम जो है उसका वो हम कैसे निकालेंगे? कमीशन क्या होता है? बिजनेस या फिर टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। टोटल सेल्स जो, या फिर जो भी वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो है 100 इनटू रेट ऑफ कमीशन फर्स्ट कितना दिया है? 4%। उसको फ्रैक्शन में करेंगे तो डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? ₹4। ठीक है, उसका इनकम फर्स्ट केस में कितना आ गया? ₹4। अब बढ़ते सेकेंड केस की तरफ। अब रेट ऑफ कमीशन तो बढ़ गया, ठीक है, बट ये जो है हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस ₹100 था। अब ये गलती मत कर देना वापस, ₹100 पे ही 5% कमीशन है। अब जो भी बिजनेस रिड्यूस हुआ है वो हमको पता नहीं, तो अभी जो न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस होगी, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस बी एक्स, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो गई? एक्स। अब उसका इनकम कितना बनेगा? रेट ऑफ कमीशन दिया है 5% और वैल्यू है एक्स, तो ये हो गया एक्स जो है बिजनेस का वैल्यू इंटू 5% कमीशन डिवाइड बाय 100 कर देंगे, फ्रैक्शन में टर्न करेंगे, तो सेकेंड केस वाला इनकम उसका कितना हो गया? 5x/100। जो भी नंबर होता है पहले लिखा करो, वेरिएबल है बाद में लिखा करो, ये मैथमेटिकली ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है बट ये ज्यादा एक्यूरेट है। अब हमको देखो एक बात क्या दी थी, इनकम रिमेंस अनचेंज, इसका मतलब I1 = I2। ठीक है, पहले केस में जो इनकम थी और दूसरे केस में जो इनकम थी वो क्या है? सेम, वो क्या है? अनचेंज। इसी का मतलब जो उसकी पहले इनकम थी ₹4 और बाद में जो हो गई 5x/100, वो क्या है? सेम। तो ₹4 = 5x/100। अब देखो 100 हमको एक्स फाइंड करना है ना, तो सारी वैल्यूज हम वो साइड ले जाएंगे, 100 डिवाइडेड या जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई या जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = क्या आएगा? 4 के साथ 100 मल्टीप्लाई और 5 क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 1 5, 5 20 100, 20 × 4 कितना हो गया? 80। x कितना हो गया? 80। तो अब देखो पहले हमारा बिजनेस कितना था? ₹100। अब हमारा बिजनेस कितना हो गया? 80 रुपीज
₹80, तो कितने का रिडक्शन हुआ? देखो हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 100 से कंपेयर कर रहे हो, 100 से 80 के पास जाते तो कितना रिडक्शन हुआ है? ₹20 का। ठीक है, रिडक्शन जो है, रिडक्शन तुमको फाइंड क्या करना है, रिडक्शन परसेंटेज। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो कंपेयर किससे कर रहे, 100 से, पहले वाली बिजनेस जो वैल्यू थी उससे कंपेयर कर रहे। जब 100 से 80 हो गया तो 20 का रिडक्शन हुआ किस पे, 100 पे। ठीक है, इतना तुम्हारा बिजनेस रिड्यूस हो गया, 20 का रिडक्शन किस पे, 100। फाइंड क्या करना है, परसेंटेज। ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंटेज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 100 कैंसिल, 20%। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्या है आंसर, 20% रिडक्शन इन द बिजनेस। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सब लोग। चलो सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये जो है नेक्स्ट वाला थोड़ा लेंदी है। ठीक है, अब किसी किसी के लिए ऐसे होता है कि लेंदी मतलब डिफिकल्ट। ठीक है, बट ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर देखो कोई बंदा जो है 1 किलोमीटर प्लेन रास्ते पे चल रहा है और दूसरा बंदा 500 मीटर बड़े से एक स्टीप हिल पे चढ़ रहा है, तो ज्यादा डिफिकल्ट किसके लिए होगा? ऑब्वियसली जो बंदा देखो स्टीप हिल पे चढ़ रहा है उसको ज्यादा पावर लगेगी। ठीक है, भले वो डिस्टेंस कम कवर करेगा 500 मीटर ही, बट उसको ताकत कैसे लगेगी, ज्यादा लगेगी, उसका एक्सर्शन ज्यादा हो जाएगा, वो टायर्ड भी ज्यादा हो जाएगा। बट दूसरा जो बंदा 1 किलोमीटर चला है, ठीक है, उससे 2 टाइम ज्यादा, बट उसको थकान होगी क्या? नहीं, क्योंकि लेंदी मतलब हमेशा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, डिफिकल्टी जो है चाहे कभी कभी आंसर 2 स्टेप में आएगा बट बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ में आएगा नहीं क्या इनपुट करना था, क्या गिवन है, कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा बट वो बहुत इजी होगा। तो अभी के अभी सब लोग अपने माइंड से कंसेप्ट निकाल ही दो कि लेंदी मतलब डिफिकल्ट। ठीक है, लेंदी इज नॉट नेसेसरी टू बी डिफिकल्ट, मे बी डिफिकल्ट होगा बट हमको ऐसे मिसकंसेप्शन नहीं रखना कि लेंदी मतलब डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे तुमको देखो अभी एक क्वेश्चन करके दिखा दो, तुम खुद बोलोगे यार इतना लेंदी था, बट यार कितना इजी क्वेश्चन था यार, मतलब थ्रिलर था। ठीक है, देखो मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स ही रिसीव इन ऑल ₹9,880 एंड ₹10,180, फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड बाय हिम। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब जल्दी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लाइक पहला रूल ही है, गिवन मार्क कर लो 68,000 और 73,000, ये उसकी 2 सक्सेसिव वीक्स की सेल्स थी। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव वीक्स की सेल थी, उस पे उसको मिला है 9,880 और 10,108। ठीक है, ये क्या है, उसका टोटल इनकम, टोटल इनकम दिया है, जो कैसे बनता है, सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन से फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। तो देखो दोनों जो भी चीजें, सैलरी और रेट ऑफ कमीशन, ये दोनों भी क्या आने वाले, कांस्टेंट, क्या आने वाले, कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखो कि हम लोग जो डाटा हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन हमको क्या क्या है, देखो गिवन हम देखते हैं कि 73,000 की जो सेल्स है, ठीक है, 73,000 की सेल्स पे 10,180 उसका इनकम। ठीक है, 73,000 की सेल्स पे 10,180 उसका इनकम है। क्वेश्चन को कभी पूरा ब्रेक करना सीखो। ठीक है, अब दूसरी बात हमको क्या दी है, दूसरी बात हमको दी है
68,000 की सेल्स, देखो 68,000 की सेल्स पे 9,880 उसका इनकम, 68,000 की जो सेल्स है उस पे उसका इनकम कितना है 9,880, ये उसका क्या है इनकम। ठीक है, अब जो इनकम है उसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था, ठीक है सबने लिखा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया था इनकम इक्वल्स टू क्या होता है सैलरी प्लस कमीशन, इनकम क्या होता है सैलरी प्लस कमीशन। तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है सैलरी प्लस कमीशन, ये हमारा फॉर्मूला हमको पता है, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है सैलरी प्लस कमीशन। अब देखो फर्स्ट केस में जो भी उसका इनकम है, ठीक है 10,180 जो इनकम है वो कैसे बना है सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000, ठीक है 10,180 कैसे बना सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000। अब सेकेंड सेकेंड क्या है 9,880 ये कैसे बना है सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000। ठीक है ये अभी हमारे एक मेजर स्टेप है जिसमें हम क्या करने वाले दोनों का डिफरेंस निकालने वाले। ठीक है तो पूरे क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो मैं बोलूंगा यही वाली है कि देखो हमको इतना डाटा गिवन है, ये भी गिवन था, अब हम क्या करेंगे उसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे डिफरेंस। तो 10,180 माइनस 9,880, देखो 80 में से 80 चला जाएगा, 10 में से 98 गया तो 3 बचा, तो 300 इक्वल्स, देखो सैलरी सैलरी चला गया, अब क्या बचा कमीशन, दोनों भी कमीशन है तो देखो हमेशा जो भी कॉमन चीजें उनका डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है दोनों भी अगर कमीशन है तो इसका डिफरेंस दे सकते हैं। तो 73,000 माइनस 68,000 कितना आ जाएगा कमीशन ऑन 5,000। इसका मतलब देखो हमको एक बात पता चली, कौन सी बात पता चली जल्दी तुम्हें बता दो, देखो इस इक्वेशन पर से तुमको एक बात क्या पता चली कि 5,000 रुपीज पे जो कमीशन मिल रहा है वो कितना है 300 रुपीज। यहाँ पे देखो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इक्वेशन मिल गया ना, यहाँ पे देखो सैलरी हमको नहीं पता थी, ठीक है तो हमने लाइक को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड किया तो सब माइनस हो गया, 10,180 माइनस 9,880 300 आया, सैलरी कैंसिल आउट हो गया, कमीशन ऑन 73K माइनस कमीशन ऑन 68K बचा कमीशन ऑन 5। इसका मतलब तुमको एक बात पता चली कि 300 रुपये जो है ये 5,000 रुपीज पे मिलने वाला कमीशन है, या फिर 5,000 रुपीज पे कितना कमीशन मिल रहा है 300 रुपये, कितना कमीशन मिल रहा है 300 रुपये। तो अब देखो यहाँ से तुम रेट ऑफ कमीशन कैसे निकाल सकते हो बताओ, कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है कमीशन इक्वल्स टू टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन क्या हुआ जल्दी बताओ, देखो कमीशन इक्वल्स टू टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, हमको निकालना क्या है रेट ऑफ कमीशन, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, तो रेट ऑफ कमीशन क्या आया हमारा टोटल सेल्स, सॉरी रेट ऑफ कमीशन हमारा क्या आया कमीशन अपॉन टोटल सेल्स, ठीक है कमीशन अपॉन टोटल सेल्स, सब लोगों का ध्यान है ना, ठीक है सब लोग देखते रहो बराबर ध्यान देते रहो, लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत इजी है, दो बार देखोगे एकदम तुम्हारा परफेक्ट हो जाए। अब कमीशन कितना आया 300, कमीशन कितना आया 300, टोटल सेल्स कितने है अभी इधर 5,000, ये फ्रैक्शन है इसको परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 060 कैंसिल, 5 1 5। आरओसी कितना आया रेट ऑफ कमीशन कितना आया 6%, कितना आया
6%, ठीक है। अब ये रेट ऑफ कमीशन पर से हम देखो, अभी कमीशन निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले लो, जैसे ले लो 68,000, ठीक है। अब 68,000 पे कमीशन कितना आया होगा, तो कमीशन इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल्स। रेट ऑफ कमीशन निकाल लिया 6% है, टोटल सेल्स कितनी है 68,000 पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन है तो डिवाइड बाय 100, तो 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 60 0, 68 48, 36 प्लस 4 40, तो ये क्या आ गया उसका कमीशन। बट हमको कमीशन नहीं फाइंड करना है, हमको रेट ऑफ कमीशन और वीकली सैलरी फाइंड करनी। तो वीकली सैलरी हम कैसे फाइंड करोगे बोलो, यही पे है ना फॉर्मूला, इनकम इक्वल्स टू क्या है, सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी क्या आएगा, इनकम माइनस कमीशन। अब ये जो तुमने निकाला है कमीशन 68,000 पे निकाला ना, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हम जल्दी से, सैलरी इक्वल्स टू क्या आएगा, इनकम माइनस कमीशन, कौन सा वाला इनकम 68,000 माइनस 4,080, तो कितने आ गए सैलरी देखो, 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4,100 प्लस 100 कर दो 5,000 हो जाएगा और 63,000। सबका आ गया ये आंसर 63,920। जल्दी जल्दी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड को, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ब्लेंडर क्या हो गया, इनकम जो है हमको दिया था ना, यहाँ पे इनकम जो है इनकम हमको 68,000 लेना है, वो हमारा टोटल सेल्स है। तो इनकम हम क्या लेंगे, देखो जो हमको जो दिया है 68,000 पे इनकम था 9,880, तो वो लोगे तो 9,880 माइनस 4,080, तो 80 माइनस 80 हो जाएगा तुम्हारा 0, 98 माइनस 4 हो जाएगा 58। ये क्या हो गया हमारा सैलरी, ये क्या आ गया हमारा सैलरी, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी वापस, क्वेश्चन बहुत लेंदी था, क्वेश्चन कैसा था, बहुत लेंदी था बट इजी भी था, ठीक है। हमने देखो सिंपल सिंपल एक बार वापस स्टेप रिवाइज कर लेते, क्या क्या किया, पहले जो भी गिवन डाटा था वो फिल कर लिया, 73,000 सेल्स पे 10,180 इनकम है, 68,000 सेल्स पे 9,880 इनकम है। तो हमने क्या किया, दोनों भी लाइक इनकम्स के स्टेटमेंट्स को साथ में ले लिया, डिफरेंस लिया तो सैलरी कट आउट हो गया, पता चला 5,000 पे 300 कमीशन मिल रहा है, वहां से रेट ऑफ कमीशन फाइंड किया, वही रेट ऑफ कमीशन के हेल्प से कमीशन फाइंड किया, उसी को इनकम में से सब्ट्रैक्ट किया तो सैलरी आ गई, ठीक है। अभी सब लोग फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और वो अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्विंग हो गया आज, और जो अभी तक टिका है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है कि सैलरी इंक्रीज हो रहा है तभी तुमको लाइक देखना है, तभी तुमको लाइक वो डेटा वैसे लेना है, वरना हमेशा सैलरी क्या होती है कांस्टेंट, जब दिया हो तुमको सैलरी इंक्रीज हो रही है तब तुम ले सकते हो अकॉर्डिंग। तो दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000, मार्क कर लो 4,000 to 5,000, द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, रिडक्शन हो रहा है किसमें, रेट ऑफ
कमीशन में फ्रॉम 3% टू 2%, ठीक है, इट्स इनकम रिमेन अनचेंज्ड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड, इनकम रिमेन अनचेंज्ड। फाइंड हिज सेल्स, अभी क्या फाइंड करना है हमको, सेल्स फाइंड करना है। अब देखो हम क्या इक्वेट करेंगे, इनकम इक्वेट करेंगे जो है अनचेंज्ड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमको क्या क्या है, फर्स्ट केस में सैलरी कितनी थी 4000, दूसरे केस में कितनी थी 5000, और दिया क्या है इनकम अनचेंज्ड है। तो देखो इनकम के बेस पे ही हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। अब हमको सेल्स फाइंड करने पता नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे एक्स ले लेंगे। लेट दी टोटल सेल्स बी एक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो हमको क्या बोला गया है कि जो पहले केस वाला इनकम थी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस वाली जो इनकम है वो कैसे बनेगी, उसकी सैलरी जो थी 4000 प्लस रेट ऑफ इनकम कितना है 3%, 3% को फ्रैक्शन में करेंगे डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, सेल्स से, ठीक, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब सेल्स से, क्योंकि कमीशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल्स, टोटल सेल्स एक्स है, रेट ऑफ कमीशन 3% है, 3 लिया डिवाइड बाय 100 कर दिया, ठीक है, क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन में करना था। सेकेंड केस में इनकम क्या होगी, सैलरी कितनी दी है 5000 प्लस, अब रेट ऑफ कमीशन देखो क्या हो गया डिक्रीज, तो तुमको कहना पड़ेगा 2% डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, उसको फ्रैक्शन कर रहे तो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया सेल्स। अब देखो हमको लगे को इंपॉर्टेंट बात क्या दी गई थी, इनकम रिमेंस अनचेंज्ड, कैसे इनकम अनचेंज्ड। तो अब देखो फिर दोनों भी इक्वेशंस को इक्वेशन वन इक्वेशन टू को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इनकम तो अनचेंज्ड है, तो आई वन इक्वल्स टू आई टू, तो आई वन क्या है 4000 प्लस 3x बाय 100 इक्वल्स टू 5000 प्लस 2x बाय 100। अब देखो जो भी बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के पास ला, ठीक है, प्लस बराबर से, बड़ा नंबर है उसको छोटे के पास लेके जाओ, ठीक है, सॉरी छोटा नंबर है उसको बड़े के पास लेके जाओ। देखो ये 4000 है ना, यहाँ पे आगे क्या होगा सब्ट्रैक्ट, हमको आंसर पॉजिटिव में लाना है ना, देखो 4000 चला जाएगा इधर, 2x आ जाएगा इधर, तो क्या बचा 3x बाय 100 माइनस 2x बाय 100 इक्वल्स टू 5000 माइनस 4000 कितना आएगा 1000, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x बाय 100 इक्वल्स टू 1000, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया रुपीस 1 लाख, कितना आ गया x रुपीस 1 लाख। और हम फाइंड क्या कर रहे थे, सेल्स फाइंड कर रहे थे ना, ठीक है, तो कितना आया हमारा सेल्स रुपीस 1 लाख, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम लाइक सेकेंड्स में बनने वाला क्वेश्चन था। एक बार देख लो वापस कैसे हमने किया फाइंड, इनकम इक्वल्स टू क्या सैलरी प्लस कमीशन, फिर हमने क्या किया टोटल सेल्स को एक्स मान लिया, फर्स्ट इनकम हुआ उसका सैलरी फर्स्ट केस में कितना दिया था 4000 प्लस 3% कमीशन था डिवाइड बाय 100 करेंगे फ्रैक्शन, सेकेंड इनकम में क्या हो रहा है 5000 सैलरी हो गया अभी बट उसका रेट ऑफ कमीशन रिड्यूस हो गया 2% पे हो गया डिवाइड बाय 100 करेंगे, दिया गया है इनकम रिमेंस अनचेंज्ड, मतलब ही फर्स्ट इनकम और सेकेंड इनकम आर इक्वल, ये तुमको समझना है, ठीक है, वर्ड्स में दिया है इक्वेशन फॉर्म करो, आई वन इक्वल्स टू आई टू 4000 प्लस 3x बाय 100 इक्वल्स टू 5000 प्लस 2x बाय 100, ठीक है, छोटे नंबर को बड़े के पास लेके जाओ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4000 इधर गया, ठीक है, और 2x इधर आ गया, 3x माइनस 2x डिनोमिनेटर सेम है तो 3x माइनस 2x x बाय 100 और 5000 माइनस 4000 1000 100 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू जो कि था हमारा टोटल सेल्स कितना आया रुपीज 1 लाख, ठीक है।
अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हुए एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, आराम से देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देखो, और एक बार कम से कम खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है? तभी होगा, जब हम करेंगे तभी होगा। ऐसे अगर लाइक मैं सॉल्व करूँ तो मैं 50 क्वेश्चन कर दूँ तो भी बहुत ईजी लगेगा, देखने में लाइक हर चीज हमको ईजी लगती है, जब एक्चुअल करने जाओ तो समझ में आता है कि कितनी हार्ड है, ठीक है? तो ऐसे फिर सब लोग स्टडी करते रहो, बीच में थोड़ा बहुत चिल भी करते रहो, बस स्टडी स्टडी मत करो, ठीक है? एक बार सारे क्वेश्चंस फिर गो थ्रू हो जाना, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे आज। बाकी का फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद फिर एक दो ही एग्जाम्पल्स बचे, फिर हम जो है हमारा डिस्काउंट वाला जो पॉइंट है वो शुरू करें, ठीक है? आई होप सबको पसंद आया आज का लेक्चर। कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालो, सारे कमेंट्स देखने वाला हूँ और रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है? थैंक यू।